हमारे अपने लोग, इस देश का एक अहम संपद। इन लोगों में साहसिकता है, इन लोगों में शक्ति है, इन लोगों में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, परिश्रम करना जानते हैं ये लोग। फिर भी दो चून की रोटी के लिए तरसना पड़ता है इन ग्रामीणों को। समय के साथ साथ जीवन मान को उन्नत नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनके सामने रोजगार की राह दिखाने लायक कोई नहीं है। लेकिन इनके लिए काफी सारे योजना बना हुआ है राज्य और केंद्रीय सरकार की। चाहिए उन योजनाओं की क्रियान्वयन, और इस अहम काम को करके दिखा रहे हैं सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी सारडा। झारखंड के रामगढ़ से अपनी यात्रा शुरू करके 5 राज्यों में विकास का काम कर रहे हैं इस संस्था ने। उनमें एक है लोगों के आजीविका के लिए निरंतर प्रयास। सारडा जो भी करती है उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है, ताकि कोई योजना सिर्फ दिखावा बन के न रह जाए। आजीविका के क्षेत्र में काम करने के समय भी इस पर ध्यान दिया गया था। जो लाइवलीहुड है, क्योंकि ये सीधा जुड़ा हुआ है उनके आमदनी से, तो जब हम लोग किसी क्षेत्र में लाइवलीहुड के प्रमोशन के लिए जाते थे या काम करते थे, तो सबसे पहले वहाँ के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते थे कि जिनके लिए जो लाइवलीहुड करने जा रहे हैं, जिस इशू को लेकर करने जा रहे हैं, तो उनके पास उससे संबंधित रिसोर्सेज क्या है, और रिसोर्सेज के साथ साथ वहाँ पे उनका ट्रेडिशनली उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देते थे। और दो ही मुद्दा को ज़्यादा फोकस करते थे तब हम लोग उस क्षेत्र में उससे संबंधित लाइवलीहुड पे हम लोग काम करते थे। ये है महाराष्ट्र की गोंदिया और गढ़चिरौली जिला। जंगल, पहाड़, झरना और गोंड जनजातियों की गांव। गैर जनजाति के लोग भी बसे हैं गोंदिया में। आजीविका के विकास के लिए यहाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा है SHPI और WSHG परियोजनाएं। आइए आपको गोंदिया के आमगांव, देवरी और सालेकासा एवं गढ़चिरौली के आरमोरी और वादसा प्रखंड में ले चलते हैं महिला वचतगढ़ से मुलाकात करने के लिए। आता काही दिवसाच्या पूर्वी आमचं भाजीपाल्यांचं प्रशिक्षण झालं आहे, तर त्यामार्फत आम्ही नर्सरी तयार केली आहे आणि वांगे आणि टमाटरची झाडं लावणार आहोत, त्याचं उत्पादन घेणार आहोत आम्ही। आता हे उत्पादन होतील या पैशाच्या समोर आता आम्ही बायाला देऊन ह्या समोर वाढवासाठी पैसे नाही, तर मग मुला बाळांसाठी ह्या करून पैसे आहे वाढीचे। आम्ही शेती हा व्यवसाय करीत आहे आणि धान निघाल्यानंतर आम्ही तुळी वगैरे पेरले आहे, तीळ पेरले आहे, आणि धान निघाल्यानंतर लाकोरी चणा पेरणार आहे, आणि त्याच्या धानाचा जो आम्हाला व्यवसाय मिळणार आहे तो 50-40% मिळेल असं आम्ही मिळेल असं धानाचं उत्पन्न। आम्ही दुधाचा व्यवसाय करतो, दूध 20-25 लिटर दूध निघते। आम्ही आरमोरीला विकासाठी दूध डेअरीवर नेत आहोत। जे व्यवसाय जे बाकीचे बॅलन्स आहेत ते आम्ही गटामध्ये टाकतो। रोज एक एकाची पाळी राहते, 12 जणी 12 दिवस जातो, दर महिन्याला पाळी राहते। आम्ही कर्ज काढलेला आहे हा मिरची फल्ली वगैरे लावण्याकरिता, बिजाई वगैरे घेऊन सऱ्यांनी आम्ही उत्पन्न काढून राहिलो ना, 40,000 रुपये कर्ज काढले आहे। जो आम्हाला नफा होते ह्या पैशातून आम्ही मुलांचे शिक्षण करतो, जसं ट्युशन आहे, कपडे आहेत, मुलांचे शिक्षण आहे, दवाखाना खर्च आहे, आणि मग आम्ही 2 पैसे मागे टाकतो। मध्य प्रदेश, अरण्य, पहाड़, नदी और चित्र जैसे गांव से सजे हुए राज्य। यहाँ गोंड, बैगा
इत्यादि जनजातियों के साथ बसे हैं दूसरे लोग भी। देश के अन्य प्रांत में आजीविका के लिए लोगों के सामने जो मुश्किलें हैं, यहाँ भी वही समस्याएं हैं। इन समस्याओं से लोगों को मुक्ति देने के लिए काम कर रही है सारडा। राज्य के बालाघाट और शिवनी जिले में चल रहा है आजीविका के लिए काम। मध्य प्रदेश महिला वित्तीय विकास निगम के तेजस्विनी रूरल वुमन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत बालाघाट के किरनापुर और लांजी प्रखंड में 412 महिला स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। नाबार्ड की WSHG परियोजना से बालाघाट के किरनापुर, लांजी एवं शिवनी जिले में धनोरा और घनसोर में बना है महिला मंडल। बिहार का जमुई और नालंदा या झारखंड की सिमडेगा भी इससे वंचित नहीं है। कुल 2758 महिला स्वयं सहायता समूह के साथ 37,937 परिवार जुड़े हुए हैं। इन महिला मंडलों को नेतृत्व दान, समूह प्रबंधन और बुक कीपिंग की प्रशिक्षण देने के अलावा बैंकों से भी जुड़ा गया है। नियमित रूप से महिला मंडलों की बैठक होती है और समूह के अंदर लेन देन और बचत का काम किया जाता है। इन समूहों को सब्जी उत्पादन, सुकर पालन, मुर्गी पालन, SRI, पापड़ और अचार बनाना इत्यादि की प्रशिक्षण दिया गया है। आइए देखते हैं इन समूहों की काम, सुनते हैं इनके अनुभव। शारदा संस्था से हमारा ग्रुप बनाया गया है, उसके व्यवसाय से एक गुड़ बना रहे हैं, गुड़ बाजार ले जाकर बेचते हैं। मच्छी मार के मार्केट ले जाते हैं बेचने के लिए जी, वहाँ से पैसे जोड़ के लाते हैं और लेबर लोग को देते हैं। उसके बाद बच्चे पैसे रहते हैं तो जमा करते हैं, फिर बाद में और मच्छी डालने के लिए होता है। बच्चा पैसा रहते हैं 1,000-2,000 तो उसको रखते हैं घर में, तो कुछ कुछ में चले जाते हैं बच्चे, एक अच्छे को देना लेना, स्कूल पढ़ाना, खाना पीना। आजीविका के क्षेत्र में सारडा के एक अहम कदम है नाबार्ड की योजना JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के गठन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में ये योजना को क्रियान्वित किया सारडा ने। महाराष्ट्र की गोंदिया जिले के 5 प्रखंड, भंडारा जिले के 2 प्रखंड, गढ़चिरौली जिले के 2 प्रखंड में बने हैं JLG। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर के साथ बिहार के नालंदा और शेखपुरा एवं झारखंड के सिमडेगा में भी बना है JLG। बारह जने हैं इसमें काम करते हैं अपन, तो इससे क्या है हम ब्याजी उठाते हैं पैसे 3 रुपए की रेट से, और इससे खेती करते हैं अपन सब्जी की खेती। तो 1,000 रुपए से बीज खरीदो और उसमें 10,000 प्रॉफिट मिला। 72,000 रुपए लोन लिया हूँ, इससे मैंने 5 सदस्य हैं, उससे लोन लेके ये थोड़ी दुकान को और बढ़ाया हूँ, और नई नई वैरायटी दुकान में लाए, उससे बेनिफिट हुआ है। हमारा पहले का दुकान था, उसमें हमको पैसे की जरूरत थी, तो JLG में हमको जैसी माइती मिली तो फिर हमने 5 जन का 6 जन का गढ़ बनाए, फिर हमने 100 रुपये महीने से बचत जमा करने लगे। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद हमको लोन मिला, उसमें दुकान हमने बढ़ाए उस पैसे से। सा
शारदा नवाड से हम लोग को सर ग्रुप बनाया गया, उसमें सर हम लोग 10-12-15 महिलाएं का ग्रुप बनाए और ग्रुप बना बना कर सर 5-6-10 ग्रुप यहाँ बनाए और बनवा कर सर अब हम लोग मशरूम से बहुत खुश हैं सर, क्योंकि पहले हम लोग को जब 1000-2000 रुपए की आवश्यकता होती थी तो अपने गार्जियन से कहना पड़ता था। आज हम मशरूम लगाने से सर अब हम लोग प्रतिदिन 10 kg, 8 kg, 12 kg तक हम लोग एक्सेस सर काटते हैं और काट के बाजार में बेचते हैं। 80 रुपए kg मेरा मशरूम बिकता है सर, गर्मी का समय में 100 तक चल जाता है। लेकिन 80 दाहे के अगर 10 केजी मशरूम काटते हैं सर तो 800 रुपया होता है। तो घर बैठल अगर महिलाएं के लिए 800 नहीं 400 मान के चलिए, 600 मान के चलिए अगर मिल जाता है सर, तो इसके लिए कोई और बड़ा बिजनेस महिलाएं के लिए हम लोग को नजर में नहीं दिखता है। ला प्रकृति की असामान्य अवदान, पलाश बेर कुसुम के पेड़ों पर लाख की खेती की जाती है। सेमियालाटा नामक विदेशी पौधे पर भी लाख लगाया जाता है। लाख से तरह तरह की सामान बनते हैं, इसलिए लाख का अच्छा बाजार है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों को लाख की खेती सिखा रहे हैं सारडा, जो ग्रामीणों को आर्थिक उन्नति की तरफ ले जा रहा है। संस्था आके बताया सर जो है लाख का खेती कैसे कैसे किया जाता है, जो है ये सब हम लोग कुछ समझ में आया जो है, इसलिए हम लोग जो है खेती कर रहे हैं सर। यहाँ पे हम लोग 200 परिवार के साथ में हम लोग काम किए, जिसमें कि इस बार हम लोग 91 परिवार है सो पहली बार है सो लाख का खेती के लिए आगे आए हैं। इसको हम लोग अक्टूबर नवम्बर में 200 परिवार को हम लोग को इस क्षेत्र में लाकर के उनके आमदनी को बढ़ाना है। गोंदिया के सालेकसा में लैक रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। ये लाख का ठेका की है, उससे उन्नति हो रही है। और नाबार्ड सारडा यांनी आम्हाला ट्रेनिंग देऊन चांगले मार्गदर्शन दिले, मी त्यांचा आभारी आहे। तेव्हापासून आम्ही 5-6 वर्ष होत आहे आम्ही लाख शेती करून राहिलो आणि याच्यापासून मला 2-3 वर्षापर्यंत मला 20,000 पर्यंत फायदा झाला आणि आता जवळपास माझ्याकडे उपलब्ध असणारी जे लाख आहे तोडलेली ते जवळपास 20-25,000 पर्यंत आहे। नालंदा भारत का एक ऐतिहासिक धरोहर। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के कारण बिहार का नालंदा आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में परिचित है। इस नालंदा जिले के बिहार शरीफ के पास गांव में अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। UPNRM नाबार्ड से शारदा से सर 85,000 रुपया लोन लेकर 35 किसान को हमने यहाँ से वितरण किया। वितरण करने के बाद सभी किसान जाकर बख्तियारपुर, बेगूसराय, बरबीघा से कीने दो दो गाय सर, वे कीन करके लाए और लाने के बाद यहाँ सभी किसान दूध देना स्टार्ट किए और दूध देते समय सर सबका जो है दूध का फैट SNF जांच कर हमें कार्ड पर चढ़ा कर उन्होंने दे दिया। उसके बाद सर यहाँ से दूध पटना डेयरी के लिए डिस्पैच कर दिया। इसको आने से किसान को सर फायदा यही हुआ कि बेरोजगार थे वो रोजगार मिल गया और रोजगार लेने के बाद सर एक गाय से दो गाय से तीन, तीन से चार, चार से पांच, 10 तक बना लिए सब। हम सिंगाड़ा की खेती अपने परिवार के मतलब पालन पोषण करने के लिए करते हैं और इसमें से भारी मात्रा में आमदनी प्राप्त होती है, जिससे हमारे परिवार का रोजी रोटी चल सकती है। और इस सिंगाड़ा की फसल समाप्त होने के बाद जो इसका सिंगाड़े का जो कचड़ा रहता है गला हुआ, उसको हम ले जाकर नाबार्ड
सारडा संस्था द्वारा हमें जो नाडप बना के दिए गए हैं उसमें उपयोग करते हैं। इसकी खाद ले जाके उसमें डालते हैं तो उसमें जो पले हुए केंचुए के द्वारा उसको खाकर वो खाद करते हैं, जिससे जो खाद हम बाजार में बेचते हैं और अपने स्वयं खेत में भी यूज करते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर प्रखंड में है विख्यात जंगल कान्हा नेशनल पार्क। इसके करीब हरना नाला गांव में बन रहा है सारडा का एग्रो टूरिज्म सेंटर, जहां पे आजीविका के विकास के साथ साथ पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों की रोजगारों को जोड़ा जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क का एरिया के बगल का एरिया है, तो वहाँ पे टूरिस्ट लोग का आना जाना काफी होता है, तो उनको एडिशनल जो काम है वो देखने के लिए भी हम लोग अग्रेसित करेंगे, और उसके माध्यम से उस क्षेत्र का जो कल्चर है, उस क्षेत्र का जो आर्ट है, उस क्षेत्र का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके मार्केटिंग का भी एक प्लेस होगा, जो बाहर के लोग आकर के उनके साथ जुड़ेंगे, उनके परचेजिंग करेंगे, उससे आय उनका बढ़ेगा। आजीविका के विकास के क्षेत्र में सारडा का अहम कदम काफी बदलाव लाया है। चार राज्यों के कुछ क्षेत्र में सारडा का प्रयास महिलाओं को सशक्त किया है। आज वहाँ की महिलाएं अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, और मैंने मैट्रिक का एग्जाम देकर जब मेरा एक मैथ में क्रॉस लग गया तो हम छोड़ दिए। फिर हम एक साल सर नहीं दिए एग्जाम, लेकिन जब हम 2011 से मशरूम का खेती करना शुरू किया, जब हमको मशरूम से आमदनी होने लगा, तो फिर सर हम आज मैट्रिक का एग्जाम दिए, ISC का एग्जाम दिए, और आज सर हम अपना पढ़ाई BA पार्ट 1 में कर रहे हैं। विकास को अगर गति देना है और नई दिशा देना है तो महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस संस्था के इंसेप्शन से ही महिलाओं के ऊपर काम करना शुरू किया। महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में जो महिलाएं के साथ शुरुआती आज से 6-7 साल पहले काम शुरू किए थे, वो राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे बहुत आगे निकल गई, तो महिलाओं के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव सारडा के काम का देखने को मिलता है, और शायद आगे और भी इसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी सारडा विकास उन्मुख काम के लिए जो क्षेत्र को चुना है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है। मध्य प्रदेश की बालाघाट, शिवनी हो या महाराष्ट्र के गढ़चिरौली या गोंदिया, झारखंड के सिमडेगा, गुमला हो या बिहार का जमुई, सभी जिला नक्सल प्रभावित है। पुलिस अभियान के साथ साथ विकास के माध्यम से भी उग्रवाद का मुकाबला करना चाह रही है सरकार। आजीविका के क्षेत्र में सारडा का प्रयास इस राह पर अहम कदम है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, बिहार से लेकर महाराष्ट्र आजीविका के विकास के माध्यम से अपने कर्म भूमि में लोगों को रोजगार का पथ दिखाया सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी सारडा ने। अब वहाँ लोगों की जिंदगी उन्नति की राह पर है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, ग्रामीणों के अंदर आत्मविश्वास का स्फुरन हो रहा है, लोग कर्ममय और उन्नत जीवन का स्वप्न देख रहे हैं, और ये कामयाबी सारडा को प्रेरित कर रही है और बेहतर प्रयास के लिए।